मंदसौर जिले के गांव नई फतेहगढ़ में विंस स्टील फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण टीम द्वारा दूषित पानी का सैंपल लिया गया। उल्लेखनीय है कि दलौदा के निकट गांव नई फतेहगढ़ में स्थित वीनस स्टील फैक्ट्री द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत वासियों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर की गई थी, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी देवेंद्र सोलंकी केमिस्ट्री विशेषज्ञ का जांच दल पहुंचा और स्टील फैक्ट्री के आसपास नाले में छोड़ा जा रहा केमिकल युक्त पानी, कुएं का पानी तथा हैंडपंप का पानी जांच के लिए सैंपल लिया गया। जांच अधिकारी देवेंद्र सोलंकी ने बताया कि लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट एक सप्ताह में मिल जाएगी। बताइए किस बात को लेकर के आप यहाँ फैक्ट्री में आए? ग्रामीण लोग बहुत परेशान है, इस फैक्ट्री से प्रदूषण बहुत फैल रहा है और 8 बजे बाद ये चिमनी बंद कर देते हैं, 8 बजे बाद ये इतना धुआं होता है, मतलब ग्रामीण मतलब सांस लेने में मतलब बहुत परेशानी रहती है क्या, और ऑक्सीजन कम गिर रहा है हम लोगों का, और पानी देखो इतना गंदा हो रहा है क्या, और बीमारी टीवी की बीमारी हो रही है, मतलब आदमी अगर ग्रामीण इलाज में लगाएगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, गरीब आदमी है। पहले मेरे गए साल 2.5 लाख लगाए, 50,000 अभी लगाए, मेरे घर में से बीमार पड़ी थी कि वो ऑक्सीजन उसका कम हो रहा है, टीबी की बीमारी अलग हो गई, सभी मेरे पिताजी अलग बीमार है, उधर जाओ वकीलनाथ अलग, वो वकीलनाथ वो बीमार है, सुंदरनाथ गांव से के कितना दूर है फैक्ट्री? गांव से मकान लगते हुए ये बिल्कुल फिक्स है, एक ही दीवार, क्या बहुत से मकान की एक ही दीवार है, एक ही दीवार है। अब गरीब आदमी कहाँ से पूर रहे, अब यहाँ जाते हैं फैक्ट्री में तो वो ललकार के पका देते हैं, अगर एक दो आदमी जाने भट्टी में डाल दे तो हम क्या करें? हाँ सही बात है, ज़्यादा करोगे तो भट्टी के अंदर डाल दे, एक दो आदमी अगर जाए तो भट्टी में डाल दे तो हम क्या करें? लेकर के आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया? सर ये प्रदर्शन पानी के लेके लिए के लिए बात की आपने, पानी की बहुत मतलब पूरा गांव बहुत परेशान है अधिकतर करके, और इसे पानी से दाल चाय सब हर चीज़ बनने में मतलब पूरा पानी ख़राब हो गया गाँव का सर। और क्या क्या परेशानी है? और परेशानी ये है कि कुछ लोग बीमार हो रहे हैं प्रदूषण की वजह से, बस ऑक्सीजन भी प्रदूषण ज़्यादा, खांसना अंदर जमना ये निकलता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा अधिकतर। फिर क्या कार्रवाई की मांग की गई है? सर हमने हमारे नाना लाल जी ने 181 पे मतलब कि एक तो फ्रंट से जो पानी का पाइपलाइन से बाहर जा रहा था एक सैंपल उसका लिया क्या, और एक नाले का सैंपल लिया बैक साइड से, और एक अंदर कुएं का सैंपल लिया यहाँ से, और एक मेरे गांव में रहमत पठान के पास में हैंडपम्प है एक सैंपल उसका लिया गया अभी, और इसकी जाँच होगी प्रयोगशाला में, उसके बाद रिजल्ट आने पे पता लगेगा सही स्थिति क्या। नहीं यहाँ पर जो ग्रामीणों का आरोप है कि जो फैक्ट्री से जो जहर जो उगल रहा है इससे कई ग्रामीण दूषित भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रही है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? तो बीमारी जो बढ़ रही है तो वो तो अपने सीएमओ से पता लगेगा, हॉस्पिटल में कौन गए यहाँ से बीमार हो गया, आदमी से गाँव गया तो इस कारण से बीमार हुआ, ये वहाँ से पता लगेगा, हम लोग नहीं बताएंगे बीमारी कैसे हो रही है क्या। तो ये जो आपने जो सैंपल लिया है पानी का, तो कितने दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी इसकी? इसे 7 दिन लगेंगे। और कौन से विभाग में पहुंचेगी और किस माध्यम से सूचना मिलेगी ग्रामीणों को? प्रदूषण विभाग से हूँ क्या जी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन जी, देवेंद्र सोलंकी केमिस्ट हूँ वहाँ पे मैं क्या। सर इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? 7 दिन में लगेगी। सर ये जो कार्रवाई की गई आज किस आधार पे की गई? ये सीएमएल प्लान के आधार पे की गई। आपका नाम और पद बता दीजिएगा? देवेंद्र सोलंकी केमिस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन।